फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय चैनल। आज रोज हम प्रूफ ऑफ टेलर्स थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेलर्स थ्योरम्स को हमने कैसे प्रूफ करना है, प्रीवियस वीडियो में हमने टेलर्स थ्योरम्स के रिजल्ट को कैसे यूज करना है विद एग्जांपल हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, भी हम कैसे एग्जांपल से किस एग्जांपल्स में टेलर्स थ्योरम्स को कैसे हमने अप्लाई करना है। तो आज हम टेलर थ्योरम के प्रूफ के बारे में करेंगे। प्रूफ क्या है, कैसे हम प्रूफ करते हैं टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम के प्रूफ के लिए आपके पास टेलर थ्योरम में क्या था, अभी जो फंक्शन था आप उसको एक्सपेंशन रूप में लिखते थे। उस एक्सपेंशन रूप है डैगमिन, मान लो आपके पास कोई भी पॉलीनोमियल ही है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ऐसे आपकी का पॉलीनोमियल फंक्शन हो जाता है जो भी है। अगर ये फंक्शन है टेलर्स में क्या है, जो ए नॉट ए वन ए टू है, ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट, इन कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं, है ना। जैसे ए वन है तो ये डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाएगा, किसी भी पॉइंट में निकाल रही है तो ये डबल डेरिवेटिव, ये एफ ऑफ जीरो, इस फॉर्म में ये लिखे जाएंगे कांस्टेंट। इन कांस्टेंट की वैल्यू यही आएगी, यही चीज हम प्रूफ करेंगे टेलर्स थ्योरम में। तो जो पॉलीनोमियल हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वी अ डिफरेंशियल फंक्शन। डिफरेंशियल फंक्शन मीन्स हम लोग जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उसका हम इनफाइनाइट टाइम तक डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियबल फंक्शन है, वेयर एच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, जो हमारा पॉइंट है मेन एच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, हमने इस करना है एट पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट के इंटरवल निकाल के हम एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। हमारा जब हमने प्रीवियस वीडियो में की थी टेलर थ्योरम, हमने वहाँ पे एक्स नॉट के स्पेस पे ए यूज किया था, इस स्टेटमेंट में ए के स्पेस पे एक्स नॉट यूज किया हुआ है, दोनों एक जैसे ही बात है, चाहे एक्स नॉट यूज करो चाहे ए यूज करो। एंड एच इज वेरिएबल, एच आपका वेरिएबल है, देन हम लोग कैसे एक्सटेंड करते थे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, इस फंक्शन को हम एक्सटेंड करते हैं कैसे, एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि हमारा एक्स नॉट के स्पेस में वही ए, प्लस एच एफ ऑफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, यहाँ पे वन फैक्टोरियल भी डाल सकते हो आप, एफ ऑफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस एस ऑन, ऐसे कंटिन्यूस आपकी ये सीरीज चलती जाती है। एक तो ये टाइप होगी जिस टाइप में ये लिखी होती है, और एक और भी लिखी होती है टाइप, वो क्या, अगर हम पुट कर लें, पुट एच इज इक्वल टू, बिकॉज वी नो एच क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट है, अगर हम एच को एक्स माइनस एक्स नॉट पुट कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ, यहाँ पे एच के स्पेस पे एक्स माइनस एक्स नॉट फिल करोगे, एक्स नॉट के साथ एक्स नॉट कैंसल, दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच के स्पेस पे एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ डैश एक्स नॉट अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस एसो ऑन, ऐसी चलती रहती है क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तक चलती है, बीच में आपके पास एन टर्म भी आ जाएगी। ये टू टाइप्स हैं, इसे हम और लिख सकते हैं, और ये टू टाइप्स हैं, बुक में कोई भी टाइप लिखी हो सकती है, दोनों में से ही हम, ये हो गया अलोंग पॉइंट हो गया जो हमारा एक्स नोट के अलोंग निकाल रहे हैं, कोई भी लिखा हो हम प्रूफ एक जैसा ही करेंगे, दोनों में कोई भी स्टेटमेंट आपको लिखी हो। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करोगे आप। प्रूफ करने के लिए हमें ये चीज चाहिए, मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास एज अ पॉलीनोमियल गिवन होती है, तो हम इसे प्रूफ करने के लिए हम जो लेंगे, हमारे पास लेट
एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, लेट मत लिखो क्योंकि बिकॉज ये तो गिवन है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सिंस लिख सकते हैं, ये तो हमें गिवन है भी ये डिफरेंशियबल फंक्शन है, तो हम लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इसे हम एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लेट करेंगे, और उस पॉलिनोमियल में जो हम कांस्टेंट लेंगे उन कांस्टेंट की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में निकालेंगे, तो हमारी टेलर थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। हमने इसको लेट किया ए नॉट प्लस ए वन, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया है एच, तो हमारा क्या आएगा एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए क्यू एच थ्री प्लस ऑन एज इट चलता जाएगा, वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री आर कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अब देखो, अब हमने ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट आपके पास इक्वेशन नंबर वन यही है जो मेन गिवन इक्वेशन है, ए नोड की वैल्यू करनी है, तो ए नोड की वैल्यू के लिए अगर हम एच को जीरो पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर वन, तो हमारे पास ए नोड की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली हम जैसे सॉल्व करते हैं, तो पहला स्टेप हमारा है पुट एच इज इक्वल टू जीरो इन वन, हमने वन में एच को क्या पुट किया जीरो, जब हमने एच को जीरो पुट किया है यहाँ पे क्या हो गया जीरो, जीरो पुट करने पर तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट आ गया इज इक्वल टू एच है जीरो स्क्वायर, इसकी फर्थ जितनी भी टर्म्स आएंगी सब में एच इंक्लूड होगी, दैट्स व्हाई वो सारी टर्म्स क्या होगी जीरो, हमारे पास क्या रह गया ओनली ए नोट, तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट आ गई, ए नोट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट। अब सिंस हमारे क्या मालूम है ये क्या है डिफरेंशियबल फंक्शन है, सो अब हमने ए वन की वैल्यू निकालनी है, तो ए वन की वैल्यू निकालने के लिए वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एच, विद रिस्पेक्ट टू एच करोगे यहाँ पे एफ ऑफ डैश एक्स नॉट प्लस एच ये आएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया एच नहीं है जीरो, ये क्या आ गया ए वन प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी टू ए टू एच प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी थ्री ए थ्री एच स्क्वायर, उसके बाद कंटिन्यूस चलते जाएंगे, ठीक है। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, अब हमने ए वन की वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट के अलावा निकाल रहे हैं हम एच इज इक्वल टू जीरो, तो अब हम इसमें भी पुट करें पुट एच इज इक्वल टू जीरो, अगर हम एच इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ डैश एक्स नोट आएगा विच इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी जीरो, आपके पास क्या आएगा ए वन, तो ए वन की वैल्यू आ गई एफ ऑफ डैश एक्स नोट, ये आपकी आ गई ए वन की वैल्यू। अब उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एच अगेन करेंगे, तो सॉरी वन नहीं क्योंकि हमारे पास अगेन अब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको क्वेश्चन नंबर टू लिख दो, क्वेश्चन नंबर टू हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तभी हमारे पास ए टू वेरिएबल में एच रिमूव होगी, तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा f of double dash x naught plus h is equal to a one term क्या होगी zero, यहाँ पे two a two plus six a three h six a three h plus उसके बाद continues आएगा, एक term और लिखनी है और लिखते हैं a four h h four, जब मैं इसका first term differentiate किया तो 4 इंटू ए फोर एच क्यूब 12 ए फोर एच स्क्वायर प्लस कंटिन्यू, ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम पुट करें वही h इज इक्वल टू जीरो,
और एच इज इक्वल टू जीरो. जब आपने एच को जीरो फिल किया तो एफ ऑफ डबल डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो. हमारे पास क्या आ गया, टू ए टू. हमें तो ए टू की वैल्यू चाहिए, तो ए टू क्या आएगा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ डबल डैश एक्स नॉट डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू ए टू. अब देखो नीचे टू है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, टू इंटू वन, टू इंटू वन टू ही आएगा, दैट मीन्स को हम टू फैक्टोरियल भी डिनोट कर सकते हैं ए टू की वैल्यू. तो ए टू की वैल्यू हमारे पास ये. अब अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट थ्री विद रिस्पेक्ट टू एच. तो यहाँ पे थ्री टाइम एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू डेट इज अ जीरो, ये आएगा हमारे पास सिक्स इंटू ए थ्री प्लस ट्वेंटी फोर इंटू ए फोर एच प्लस एच सो ऑन. इन द सेम वे फिर हम एच को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू सिक्स ए थ्री. अब ए थ्री की वैल्यू निकालनी है, ए थ्री क्या आएगा, सिक्स उस तरफ जाएगा, एफ ऑफ डबल डैश ट्रिपल डैश इंटू सिक्स, ये हो गए. अब सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सिक्स कैसे लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स ही बनेगा. तो ये क्या बन रहा है, फैक्टोरियल. अगेन इसको क्या लिख दो, थ्री फैक्टोरियल. तो ऐसे ही सबकी वैल्यू आती जाएगी, ए टू की वैल्यू फैक्टोरियल में आई, ए थ्री की वैल्यू ट्रिपल डैश थ्री फैक्टोरियल आई. अब नेक्स्ट ए फोर निकालोगे तो वो फोर फैक्टोरियल बनेगा और फोर्थ डेरिवेटिव बनेगा. ऐसे हमारे पास ऑल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई. अब हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फिल करें, अगर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फिल करोगे इक्वेशन नंबर वन में पुट इन वन, वन में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर वन है आपकी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कितने है आपके पास, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस ए वन की वैल्यू कितने है आपके पास, यहाँ पे ए वन एच था, ए वन की आई हुई है एफ ऑफ डैश एक्स नॉट इन टू एच. यहाँ पे हम वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं बिकॉज डिवाइड में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ए वन की वैल्यू आ गई. आफ्टर डैट ए टू एच स्क्वायर प्लस ए टू, ए टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए रही एफ ऑफ डबल डैश एक्स नॉट अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू एच स्क्वायर प्लस थ्री की वैल्यू एस ऑन. ऐसे आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी. हमने कॉन्स्टेंट्स लेके चले, हम ये धीरे धीरे हमारा प्रूफ हो चुका है टेलर थ्योरम. क्या था, हम कॉन्स्टेंट लेके चले थे ए नॉट ए वन ए टू कॉन्स्टेंट लेके चले थे, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गई. तो जिस फॉर्म में हमने लिखा है ये क्या है, टेलर थ्योरम है. तो टेलर थ्योरम का प्रूफ हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.